तो कल रात को काफ़ी सारे लोग आए, इतने लोग आए कि बहुत भीड़ हो गई। बेचारे होटल मालिक का भी, उसका भी दिमाग आउट हो गया, बोले यार ये क्या हो रहा है। तो गाइस दिलराज भाई को एक होटल से सुबह सुबह 5 बजे भागना पड़ा। दरअसल दोस्तों दिलराज भाई मतलब कि मिस्टर इंडियन हैकर जिस होटल में ठहरे थे वहां के आसपास के लोगों को पता चल गया था कि मिस्टर इंडियन हैकर इसी होटल में है। तो वहां पर बहुत सारे लोग रात को आ गए थे, भीड़ लग गई थी, जिसकी वजह से मिस्टर इंडियन हैकर ने फैसला किया कि हम लोग को सुबह 5 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग सुबह होने का वेट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि और लोग आ जाएंगे और भीड़ लग जाएगी, इससे होटल वालों को प्रॉब्लम्स आ सकती है। अभी सुबह के 5 बजे हैं और हम जो है अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो कल रात को काफ़ी सारे लोग आए, इतने लोग आए कि बहुत भीड़ हो गई। बेचारे होटल मालिक का भी, उसका भी दिमाग आउट हो गया, बोले यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इतनी भीड़ आ रही थी, पब्लिक आ रही है। तो अभी मैं नहीं चाहता कि सुबह फिर से लोगों को परेशानी हो। कोशिश करते हैं कि हम सबसे मिले, लेकिन कभी कभार तो हमें भी बच के निकलना पड़ता है।